फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ खरोली मिलन जो है मंथली प्रोग्राम जो है वो यहीं पे हुआ करेगा और हर फर्स्ट को हम यहाँ पे करेंगे और सेकंड को। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के घालुवाल में आयोजित किए गए हरोली मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान मुकेश जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह में सभा स्थल तक अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पैदल पहुंचे, जहां रास्ते में भी उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा क्षेत्र में चल रहे तमाम विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ चर्चा हुई और साथ ही साथ बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने भी अपनी समस्याओं से डिप्टी सीएम को अवगत करवाया। देखिए ये रिवायत जो है कोई नई रिवायत नहीं है, ये लंबे अरसा से हरोली हलके में हम कार्यक्रम करते रहे हैं, लेकिन अब जब नई सरकार बनी उसमें व्यस्तताओं के चलते ये कार्यक्रम जो है स्थगित रहा। अब हमने इस महीने से फिर शुरू कर दिया है कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ खरोली मिलन जो है मंथली प्रोग्राम जो है वो यहीं पे हुआ करेगा और हर फर्स्ट को हम यहाँ पे करेंगे और सेकंड को हरोली यूथ कांग्रेस की मीटिंग जो है शेड्यूल्ड यहाँ हुआ करेगी, बशर्ते कि कोई बड़ा काम बीच में ना जाए, कोई कैबिनेट की बैठक आ जाए या कोई केंद्र से कोई मीटिंग का कोई प्रस्ताव आ जाए, अन्यथा ये हमने फिर से शुरू कर दिया है। और इस दौरान हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2-3 किलोमीटर पैदल चला करेंगे, जैसे आज भी हम रेस्ट हाउस से यहाँ तक पैदल आए, लोगों से मिले हैं, लोगों की बात सुनी है, रास्ते में लोगों के पास चाय पी है, तो एक पद यात्रा भी साथ ही साथ होती रहेगी। हालांकि ये टुकड़ों में होगी कि कभी किसी गांव में होगी, कभी किसी गांव में होगी, लेकिन ये लगातार हम करेंगे ताकि जो हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा था, जो हमें अरोली में डेवलपमेंट करनी थी, वो मॉडल हमारा कंप्लीट हो गया। हमें जो जो करना है कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो पहले 6 महीने में हमें वो काम करने होते हैं, तो वो हमने मॉडल अब तय कर दिया है। आज ऊना का जो है स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस के मौके पे हमें ये प्रण लेना है कि हमें ऊना ज़िला को जो है इसकी लुक बदलनी है और ऊना डेवलपमेंट के लिए जाना जाए। आपने विपक्ष में हमें भी देखा, विपक्ष की अपनी भूमिका है, उनको अपनी भूमिका निभानी है। हमारा 3 तरह के एजेंडा है, राहत पुनर्वास एवं विकास। राहत एवं पुनर्वास करते करते हम विकास को नहीं छोड़ सकते, तो हम अपने एजेंडे पे लगे हैं, वो अपने एजेंडे पे लगे हैं, हम सत्ता में आगे उनको हटा के वो हमें हटाने में लगे हुए हैं, तो ये तो जो है पार्टियों के अपने एजेंडे हैं। लेकिन मैं अभी कांगड़ा गया था, 7 दिन का टूर था, कोई ऐसी जगह नहीं, हमने पैदल यात्रा की, हमने 5-5 किलोमीटर भी जाके आए, त्रास्ती में हम मोटरसाइकिल पे भी गए, हम ट्रैक्टर पे भी गए, हम जेसीबी पे भी गए, हम उन सब मोड से जाके नदियों को, उफनती नदियों को हमने पार किया है और सब जगह जहाँ मकान ध्वस्त हुए थे, कांगड़ा का जहाँ भी मकान ध्वस्त हुए हम वहाँ पे पहुँचे, उनको हम उनका दुख दर्द बांटने गए, जो जो उनको कष्ट हुआ है, जो पीड़ा हुई है। जब मकान तो जीवन में एक बार बनता है और किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे आपका ही घर क्यों ना हो, जिसका घर उजड़ जाता है उसको लाइफ लॉन्ग जो है पीड़ा होती है, तो हमने उनको मरहम लगाने की कोशिश की है। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे और जो भी विकास की गाथा ऊना ज़िला के लिए जो लिखनी है, सबको साथ लेके हम एक बेहतरीन ऊना बनाएंगे। पहली सितंबर के